राजस्थान विधानसभा में बीते दिन जमकर हंगामे की स्थिति बन गई जब अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को सदन से सस्पेंड कर दिया। इस दौरान अन्य कांग्रेस विधायक भड़क गए और मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शलों से भिड़ गए। इतना ही नहीं, हंगामे के बाद नेता प्रतिपक्ष टीकर राम जूली के नेतृत्व में विपक्ष के विधायकों ने धरना दिया और सदन में ही चादर बिछाकर बैठ गए। इसका वीडियो भी वायरल हो रहा है। कांग्रेस के विधायकों ने जमीन पर बैठकर भजन गाया, सबको सन्मति दे भगवान, साथ ही मांग की कि विधायक मुकेश भाकर का निलंबन बहाल किया जाए। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। कांग्रेस विधायकों का आरोप है कि मुकेश भाकर को बाहर निकालने आए मार्शल ने महिला विधायक के साथ धक्का मुक्की की। हिंडोना विधायक अनीता जाटव की चूड़ियां टूट गई। विधायक हरिमोहन शर्मा, रामनिवास गवाड़िया और घनश्याम सहित कई विधायक गिर गए। बता दूं, सदन में मार्शल और कांग्रेस सदन स्थगित होने के बाद भी एक दूसरे को दबाते रहे और हाथ भी मरोड़े। कांग्रेस विधायकों का कहना है कि सरकार ने पीपी और एपीपी की नियुक्ति पुराने कानून की यानी सीआरपीसी के तहत की थी, लेकिन अब नए आपराधिक कानून लागू हो गए, इसलिए सरकारी वकीलों की नियुक्ति शून्य मानी जानी चाहिए। विपक्ष ने सदन में इसको लेकर ही सत्ता पक्ष से जवाब मांगा था। कांग्रेस का दावा है कि सरकार इस पर जवाब नहीं देना चाहती, इसलिए विपक्ष के विधायकों पर एक्शन ले रही है। कांग्रेस विधायकों का ये भी दावा है कि मुकेश भाकर पर की गई कार्रवाई गलत है, क्योंकि सत्ता पक्ष के विधायक उन्हें उकसाने का काम करते हैं और फिर हंगामा होता है। जब कांग्रेस के विधायक सदन में बोल रहे थे तो बीजेपी विधायक उन्हें बोलने नहीं दे रहे थे। इस पर मुकेश भाकर ने उनसे बैठने के लिए कहा था, इस पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई जो कि बहुत गलत है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज़। शुक्रिया।